वेरी वॉम वेलकम टू सिक्स माई नेम इंड आज आज हम कॉन्टिन्यू करेंगे फाइव एम सी क्यूज डे सीरीज में इंडस्ट्रिय लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन एंड आज की आज के जो पांच क्वेश्चन हैं वो सभी जो है वो हमारे असेट रहेंगे विद न्यू लेबर कोड सो लेट सी हाउ

फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर करते चलिए आप लोग एंड uh, अगर हम थोड़ा क्विकली करें बिकॉज इट्स क्वाइट अ इजी क्वेश्चन सो इसका आंसर जो है वो डी आएगा बिकॉज द फोर्टी नंबर ऑफ वर्कर फोर्टी और मोर वर्कर आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज ठीक है यहाँ पे चालीस या चालीस से ज्यादा वर्कर जो है वो रिक्वायर्ड होंगे फॉर द फॉर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ दिस एक्ट या फिर फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट नाउ साथ ही अगर हम बात करें कि अगर विद पावर है तो फिर क्या प्रोविजन होगा सो इफ इट इज विद पावर देन द द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफ वर्क नंबर वर्कर विल विल बी बी ट्वेंटी से ज्यादा वर्कर अगर काम कर रहे हैं किसी प्रमाइसिस में और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो इस एक्ट के प्रव्यू में आ जाएगा साथ ही साथ अगर कहीं पर 40 या 40 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं और वहां पे पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा

क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैब्लिशमेंट शेल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्रीज एज पर द कोड मतलब कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर कोड ऑन ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के अगर कॉन्टेक्ट में बात करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पे हम बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा फैक्ट्रीज एक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंक्लूड किया जा सकता है या अदरवाइज इंक्लूड नहीं होता तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था एज पर इंक्लूडेड कि इंक्लूडेड हमने बताना है कि इनमें से कौन सा इंक्लूड किया जाता है अभी क्वेश्चन इसलिए बन गया बिकॉज 2019 में भी आपका कोड आया था लेकिन उस कोड में कुछ चेंजेस आए 2020 के 20 में अब बिकॉज देर वॉज अ गुड अमाउंट ऑफ न्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस तो ये एक एक्सपेक्ट क्वेश्चन ही बन गया और क्वेश्चन का हमारा आंसर ये रहेगा बिकॉज शॉप और रेस्टोरेंट तो इसका आंसर नहीं है बिकॉज हम बात कर रहे हैं फैक्ट्रीज के कॉन्टेक्स में सो रेलवे को भी हम इसमें थोड़ा अलग रखेंगे बिकॉज रेलवे इज बीन रेगुलेटेड एज अस्टेबलिशमेंट नॉट एज अ फैक्ट्री और अदरवाइज ऑल्सो सो इसमें हमारे पास डेफिनेशन इंक्लूजन के पर्पज़ से हमारे पास माइन्स आ जाएगा जिसको दो में निकाल दिया गया था डेफिनेश में इंक्लूड नहीं किया गया था बट लेकिन 2020 में उस प्रोविजन को ही हटा दिया गया तो बी विल बी आर आंसर दैट एज माइन्स नाउ इसके बाद आगे चलेंगे एंड बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री की जो कि हमसे पूछ रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कहां पर इम्प्लाई किया जा सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड कीजिए एंड फिर सोच समझ के इसका आंसर कीजिए बिकॉज ऑप्शन जो है काफ़ी सिमिलर है ठीक है चैट बॉक्स में आंसर कीजिएगा और मैं बता दूं कि पीपीडी पीडीएफ आपको जो है इस uh, पूरे सेशन का वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा सो दैट यू कैन लुक फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड यू कैन एड इन टू योर नोट्स ऑल्सो अगर कहीं पर मिस अभी चल रहे हैं या कोई गैप uh, चल रहा है बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके तो बात करते अब आंसर की सो so, um, uh, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है इसको भी रेगुलेट किया जाता है विद वेरियस एक्ट एंड ये कोड भी इसमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हुए या रिक्वायरमेंट को समझते हुए कि कहाँ कहाँ पे आपको ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की रिक्वायरमेंट रहेगी या कौन से ऐसे एम्प्लॉयमेंट नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जहां पे इट इज बेटर टू कीप इट ओपन एंडेड और नॉट टू मेक इट मेनिट्री कि आपको रेगुलर वर्कर ही हायर करना है तो कुछ प्रोविजन ऐड किए गए सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पहला ऑप्शन कहता है कि इट देवर अलाउड वेयर द नॉर्मल वेयर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेब्लिशमेंट इज सच एक्टिविटी इज ऑर्डिनरली डन थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर मतलब कुछ ऐसे फंक्शन इन दस्टेबलिशमेंट जो की ऑर्डिनरली जो है वो कॉन्ट्रेक्टर से करवाए जाते रहे हैं अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए दे आर दे हायर सम थर्ड पार्टी पर्सन एजेंसी को हायर कर लेना कॉन्ट्रेक्ट वर्कर रख लेना इसके लिए ऐसे यू कैन हायर वर्कर फॉर देशन पर्पज सैनिटेशन के लिए भी आप हायर कर सकते हैं So, स्टेटमेंट uh, में सेम ही बात आ रही है लेकिन आगे हमसे क्या कहते हैं वेयर द एक्टिविटीज आर सच दैट दे रिक्वायर फुल टाइम वर्कर नाउ वेरी वेरी बी वेरी क्लियर हेयर जहां पे फुल वर्कर हायर किया जा सकता है वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हायर नहीं करेंगे ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट में भी सिमिलर प्रोविजन uh, आ जाता है और यहाँ पर भी हमारे पास सिमिलर प्रोविजन जो है न्यू लेबर कोड में भी आता है ना ऑप्शन सी जो है वो बात कर रहा है कि इट दे कैन बी अलाउड अलाउड वेयर द रेगुलर वर्कर एज अदरवाइज वर्किंग जहां पर रेगुलर वर्कर जहां पर काम कर रहा है वहां रेगुलर वर्कर ही काम करेगा वहां पर आप कॉन्ट्रेक्ट वर्कर हायर नहीं कर सकते सो so, हमारी ए जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है एज पर द न्यू कोड बाकी की जो स्टेटमेंट है वो यहां पर इनकरेक्ट साबित होती है एक्सप्लेनेशन हमने फर्दर इसमें ऐड किया ताकि आप इसको और भी डिटेल में समझ सकें आगे आते हैं एज पर दर द कोड वर्कर अर्निंग मोर देन मोर देन डैश सेल बी कंसिडर्ड एज अ माइग्रेंट वर्कर नाव हमें पता है माइग्रेंट वर्कर पर बहुत ज्यादा फोकस है ये ना सिर्फ इंडस्ट्रिएशन लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी में क्वेश्चन आ सकता है बट आपको जनरल स्टडीज के कॉन्टेक्ट से भी यह क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज दे आर वेरियस प्रोविजन विच आर गवर्नमेंट आर मेकिंग जैसे नया पोर्टल ईश्रम पोर्टल जहां पर माइग्रेंट वर्कर की आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सो so ऐसी चीजें आपको आ सकती है एग्जामिनेशन में ना यू शुड गिव अ वेरी क्विक एंड करेट आंसर टू दिस क्वेश्चन फटाफट से so इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए सो दैट हम इसमें आगे भी फर्दर बढ़ सकें नाउ दिस क्वेश्चन नंबर फोर एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट इज माइग्रेंट वर्कर के में, बिकॉज हमारा जो कोड है वो अलग अगर अलग अलग सो, सोशल सिक्योरिटी देने के लिए अलग अलग इनकम क्राइटेरिया लेके चल रहा है आ, जैसे एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड के लिए अलग है ऐसे ही आपका विद रिस्पेक्ट टू योर ये सही बेनिफिट्स उसमें डिफ्रेंसिएशन दिखेगा एंड वर्कर्स एज पर डेफिनेशन ऑफ एट योर कोड ऑन इंडस्ट्रिएशन वहाँ पर डिफ्रेंसियशन अलग होगा सो so यहाँ पे हमारा जो आंसर है विद रिस्पेक्ट टू माइग्रेंट वर्कर दैट दैट इज बी एटीन थाउजेंड सो यहाँ पे एटीन थाउजेंड का इनकम क्राइटेरिया है जिसको पहले से इंक्रीज किया गया फॉर दर्क फॉर द कवरेज ऑफ द वीकर सेक्शन दैट इज माइग्रेंट वर्कर ना क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करेंगे ये ये एसोसिएट करता है हमारा विद रिलेशन टू द विदेक्टेशन टू अ बोर्ड विच हैजिन प्रपोज बाई द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड यह कोड क्या कहता है कि भाई हमें एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करना है फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेलफेयर स्कीम किसके लिए वेलफेयर स्कीम बनेगी ये स्कीम्स बनेगी जैसे कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए गीग वर्कर्स के लिए और ऐसे ही प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए यह समझना है अगर आपको ये वर्ड भी अभी नहीं क्लियर है कि ये अनऑर्गेनाइज वर्कर वी गीक वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं तो आप की कॉन्सेप्ट सीरीज का रुख कर सकते हैं वहां पे मैंने इलेबरेट किया है इन द सेम ऑन द सेम चैनल यू विल गेट अ प्लेलिस्ट फॉर दैट आल्सो। ओके तो यहाँ पे हम जिस बोर्ड की बात कर रहे हैं वो है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड जो आइडलाइज भी करेगा और सजेस्ट भी करेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मूलेशन ऑफ द स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज टाइप ऑफ वर्कर्स ठीक है तो यहाँ पे नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड विल बी द करेक्ट आंसर सो ये थे सारे क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस दिस फाइव एम सी क्यूज अ डे इसका पी पी टी पी डी एफ वी विल शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो यू कैन सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल एंड यू विल गेट ऑल योर आंसर्स माई सेल्फ दीपा ठाकुर साइनिंग ऑफ एयर बट डू प्रोमिस योर सेल्फ दैट यू विल रिवाइज वेल अगर यहाँ पर ठीक से आंसर्स आप नहीं कर पाए न्यू लेबर कोड से एंड इफ यू आर नॉट एनरोल्ड टू आर कोर्सेज सो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक मटेरियल मिल जाएगा अदरवाइज इफ़ यू आर आर अ स्टूडेंट एंड यू मस्ट भी हैविंग द डॉक्यूमेंट्स मटीरियल सो यू शुड रिवाइज दिस इफ देर इज एनी वीकनेस और अगर आपका पांच में से पांच नहीं आया तो ठीक है थैंक यू सो मच